सो गाइस, माय जोमैटो ऑर्डर वाज लेट एंड आई वाज टॉकिंग टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड मीनवाइल द डिलीवरी पर्सन जस्ट डिड दिस स्टार्टेड बीटिंग इन स्लीपर्स फॉर माय सेफ्टी आई हैव हिटेड हर हैंड एंड इन हर हैंड शी वाज वेयरिंग अ रिंग दैट रिंग हिटेड हर नोज क्या यार चलो चलो मोने स्टेशन का केस लगाओगी तुम अगर आप चाहो तो जिस लोकेशन पे हमने शूट किया है वो है डोंबिवली डी मार्ट के पास और वहाँ के सभी लोगों को पता है कि पहले हमने वहाँ पे वो इश्यू किया वो जो भी शूट था वो हमने कंप्लीट किया और शूट कंप्लीट होने के बाद मैं उसी के साथ बैठकर वापस आई हूँ। सभी को मालूम होगा अभी रिसेंट जो जोमेटो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में। एक तो मुझे लगता है कि हर तीसरे महीने जोमेटो खुद जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी कराता है ट्रेंडिंग में आने के लिए, और एक तुम लोग 100 बार समझाने के बावजूद भी वन साइडेड स्टोरीज को शेयर करना है, इमोशंस में बह जाना है, बिना फैक्ट चेक किए किसी की बातों पे भरोसा कर लेना है। मेकअप आर्टिस्ट की नाक से खून आया, खून बाद में साफ कराया, फर्स्ट एड बाद में ली, पहले सिंपैथी के लिए IGTV वीडियो बना दी और ब्लेम डाल दिया फूड डिलीवरी बॉय पे। और जब ऐसी वीडियो इंडियन ऑडियंस के बीच में आएगी तो भैया मिलियंस में तो जाएगी और फिर लोग लोगे इसकी मां खोद देंगे और बॉयकॉट डिलीवरी बॉय, बॉयकॉट फूड डिलीवरी, अरेस्ट हिम। हमने उसी दिन कहा भैया ठंड पाओ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बार डिलीवरी बॉय का भी तो स्टेटमेंट आ जाने दो, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 2021 में भी फैसले जज के ही माने जाते हैं, सोशल मीडिया के तो नहीं। फिर 2 दिन बाद जो होना था वो हुआ, डिलीवरी बॉय का भी स्टेटमेंट पब्लिकली आया सोशल मीडिया पे और तब भी लोगों को अकल नहीं आई, इस बार डिलीवरी बॉय की वीडियो वायरल करना शुरू कर दी और जो लोग पहले उस लड़की को सिंपथाइज कर रहे थे अब उसके खिलाफ शुरू हो गए। बहन की घुड़ी, हमें तो पता ही था ये मेकअप आर्टिस्ट है, साली फेक ही होगी, साली कुत्ती। अबे कोई दीन ईमान है, कभी कोई एक स्टैंड लिया है, या हर बार जज बनने की आदत है और अभी तक गई नहीं इतने सालों से इतने फेक केसेस देख के भी। पहले तुमने लड़की को 100% इनोसेंट घोषित कर दिया, उसकी वीडियो शेयर कर दी, अब डिलीवरी बॉय की वीडियो आई तो वहां इमोशनल हो गए, अब उसको 100% तुमने इनोसेंट घोषित कर दिया। देखो मेरा इस दुनिया का लोगों का 21 साल का एक्सपीरियंस जितना है, मैं कहता हूं कि इस दुनिया में 100% कोई भी इनोसेंट नहीं है। एक तो वो लड़की नाक का इलाज बाद में करवा रही है, पहले अपने मुंह से 1 सेंटीमीटर दूर फोन रख के IGTV पर रोते हुए वीडियो पोस्ट कर रही है, उसके बाद उस वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए 1 दिन बाद एक और वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो को तुरंत ही डिलीट करके 2 मिनट बाद रीअपलोड कर दिया क्योंकि पहले वाली में हैशटैग डालना भूल गई थी। तो हमें तो पता ही था कि आंटी जी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन ये सब काम पुलिस और कोर्ट के हैं, उन लोगों को फैसला सुनाने दो। सोशल मीडिया पे बिल्कुल तुम लोग नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जज मत बना करो, वहां पे फैसले नहीं सुनाए जाते और ना ही सोशल मीडिया पे सुनाए गए फैसले कहीं किसी की रियल लाइफ में कुछ मैटर करते हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे इस अंध सपोर्ट को, जो वन साइडेड अंधा होकर किसी भी इंसान को सपोर्ट करने लगता है, मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्हीं कामों की वजह से पहले भी बहुत सारे इनोसेंट लोग सफर कर चुके हैं। एक वो दिल्ली वाला तुमको जसलीन और सरबजीत वाला केस याद होगा, वो लड़की की बातों में आके सोशल मीडिया पे उस लड़के को ऐसा विलेन बनाया, उसकी लाइफ खराब हो गई। और अभी वो 2020 का बॉयज लॉकर रूम बेमतलब में उसको इतना हाइप कर दिया कि बाद में जो फेक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए ना, वो भी पता नहीं कितने बच्चों का फ्यूचर खा गए। या तो तुम लोगों को अंधा होके किसी एक इंसान को सोशल मीडिया पे एकदम हीरो बना देना है या तुरंत ही उसको विलेन बना देना है। भाई उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट फिर कुछ नहीं दिखता, इसने कितने अच्छे बुरे पहले काम करे होंगे। तो अब भी वैसे ही जोमेटो कंट्रोवर्सी के बाद सारे हमारे लोंडो की एकदम ईगो हर्ट हो गई थी, जब डिलीवरी बॉय की वीडियो आई तो वो जो गुस्सा था वो गुस्सा कहीं तो किसी औरत पे निकालना था, तो इसीलिए फिर 1-2 महीने पुरानी स्क्रिप्टेड वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, मैं चलो मोने स्टेशन का केस लगाओगी तुम, चलो अभी ए तन में लाओ रे फोन, लगाओ अभी, क्या अभी मोले स्टेशन का केस लगा रही है मेरे पे, हाँ डालो अभी, क्या अभी डालो, मैं रेडी है। वीडियो की स्क्रिप्ट, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था कि यहाँ पे लड़की की गलती होती है एक रोड एक्सीडेंट होने में और लड़की उसके बावजूद भी अपनी गलती नहीं मानती, लड़के को मिडिल फिंगर दिखाती है, लड़के को बोलती है मैं तेरे ऊपर मोलेस्टेशन केस डालूंगी ओपनली बहुत सारे लोगों के सामने, जैसा कि कभी होता नहीं है लेकिन इस वीडियो में था और ये एक परफेक्ट रेसिपी थी जो फिलहाल हमारे लोंडो को चाहिए थी। तो ये वीडियो दबा के सोशल मीडिया पे शेयर हुई, हमने देखी, हमने तुरंत इंस्टा पे स्टोरी डाली कि भैया ये वीडियो फेक है, क्योंकि ऐसे थंबनेल, ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियोस बहुत ज्यादा आजकल चिंदी मोटो ब्लॉगर्स यूज करते हैं अपनी वीडियो को बूस्ट करने के लिए, उन पे व्यूज लाने के लिए, और लड़कियों को पैसे देके अपनी वीडियो में लाते हैं और फिर क्लिकबेट थंबनेल लगाते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सीन था। पहला पॉइंट तो ये, अगर ये लड़का इतना शरीफ होता और सारी गलती इस वीडियो में इस लड़की की होती है, लड़की इतनी खराब होती है और सच में मोलेस्टेशन का केस करने की धमकी दे रही होती, तो ये वीडियो वायरल होने के बाद ये लोंडा जिसका ये चैनल था अपने इंस्टाग्राम पे बैठ के उन वायरल वीडियोस का क्रेडिट ना मांग रहा होता। सो मेरी यूट्यूब वीडियोस फेसबुक पे बहुत लोग चोरी करके डाल रहे हैं, सो ये बहुत गलत हो रहा है, डाल तो रहे हैं पर क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हमें दिखी तो हम स्ट्राइक मार देंगे, हाँ। सीधा का सीधा स्ट्राइक मार देंगे अगर हमको दिखी तो।
मतलब जनता तो इतनी चूतिया कि अगर वो वीडियो रियल भी है तो इसके राइट्स के लिए सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर कर रही है, अवेयरनेस के लिए इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, और ये भोसड़ी का तब भी स्ट्राइक मारने की धमकी दे रहा है, क्रेडिट मांग रहा है लोगों से। अरे मेरे लिए जस्टिस बाद में मांगना बहन के रोड़ो, पहले मेरा नाम डालो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में मेरा नाम डालो @लक्ष्य, बाद में जस्टिस लूंगा मैं तुमसे। मुझे जस्टिस नहीं नंबर चाहिए यार, वरना स्ट्राइक मार दूंगा। यहां तक भी लोग नहीं समझे कि इसकी वो वीडियो स्क्रिप्टेड है, और मैंने तब तक इंस्टा स्टोरी डाल दी थी, 2 दिन पहले की बात है, तो किसी ने मेरी वो स्टोरीज इसके पास शेयर की होंगी या लोगों को थोड़ी अकल आई होगी, इसको जाके गालियां बकी होंगी, तो ये फिर मेरे इनबॉक्स में आया। मैं यूजुअली अपने फॉलोअर्स की, किसी क्रिएटर की, मैं किसी की चैट नहीं दिखाता क्योंकि यार प्राइवेसी वाली बात है, लेकिन ये बंदा भाई इतना बेशरम है, तुम्हें आगे आगे समझ आ जाएगा, इसलिए इसकी चैट दिखानी बहुत जरूरी है। या ब्रो आई नो माई थिंग्स, बट अगर मैंने वीडियो बनाया है तो एटलीस्ट क्रेडिट्स देना चाहिए था ना। और रही बात स्क्रिप्टेड की, तो लिसन, मेरा गोप्रो हर टाइम ऑन होता है, बस एक बटन दबाने की देर है। मेरे को लग ही रहा था कि ये बंदी कुछ कांड करेगी और वो हो गया, और मैंने सोचा कि ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल दो ताकि लोगों को लगे कि कैसे फेक एलिगेशंस लड़का लगा रही है। यू आर माई इंस्पिरेशन ब्रोदर। इसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, ये इतना तगड़ा दूरदर्शी है, मैं इसको अपने हाथ की फोटो भेजने वाला हूँ, देखता हूँ मेरा यूट्यूब पे 2025 में क्या फ्यूचर है। इसने पहले ही पता लगा लिया था, घूमता रहता। अच्छा ये आंटी है जो भीड़ में खड़ी है, ये पक्का कोई कांड करेगी, वो लोंडा कांड करेगा, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है रचित कोई कांड करेगा, जो वीडियो एडिट करता है डिलीट मारेगा आधी मेरी वीडियो, हां पक्का। मैंने कहा फिर उसके बाद टेक ऑल द क्रेडिट्स ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द वीडियो स्क्रिप्टेड, एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर फीमेल एक्ट्रेस। मैंने उसी दिन कहा था, सैटरडे की, तुम देखोगे सैटरडे की चैट है जिस दिन ये सब वायरल हुआ, मैंने कहा भाई तेरी फीमेल एक्ट्रेस के लिए कुछ तो रिस्पेक्ट रख, लोग उसको जाके अब गालियां बकेंगे। आई एम लकी दैट आपने मेरी स्टोरी डाली, लव यू। मैंने कहा लोग उसे सीरियस इंटेंट में गालियां बक रहे हैं आफ्टर दैट वीडियो। नो ब्रो व्हाट एक्ट्रेस, इट्स टोटली रियल माय बिग ब्रो, वो वीडियो में वो आंटी और रिक्शा वाले सब एक्टिंग थोड़ी ना करेंगे क्या यार। तो मैंने उसी दिन, मुझे पता था कि उस लड़की को जाके अब लोग तुरंत गालियां बकेंगे, उसके जानने वाले, अगर कोई और भी नहीं पहचानना उसका इंस्टा हैंडल क्या है तो जानने वालों को तो पता ही होगा कौन है, तो उसको जाके गालियां बकेंगे कि तू ऐसा फेक मोलेस्टेशन का केस कर, मतलब बहुत सीरियस चीज है वो, और इसको तब भी मजाक लग रही थी क्योंकि अब इसके फटाफट नंबर्स बढ़ रहे थे और इसको सारे मीम पेजेस डर डर के क्रेडिट दे रहे थे कहीं स्ट्राइक ना मार दे। ये उस दिन मेरे से पूरा बहस के गया और इसने इधर उधर के रीजन दिए। खैर मैंने उसके बाद इसको रिप्लाई दिया, मैं चल ठीक है इसकी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसने मेरे को किसी स्टोरी में मेंशन किया, उसके बाद मैंने देखा क्या स्टोरी थी वो। तो मैं इसको कहना चाहता हूं आज, भाई तेरे जैसे लोंडो के ना थंबनेल मेरे यहीं से ही बन के जाते हैं, जो फेक क्लिकबेट थंबनेल बनाते हो तुम, और जिस स्कूल में तू ये सब सीख रहा है ना उस स्कूल का हेडमास्टर मेरा माइक पकड़ के खड़ा होता है, मुझे मत बता क्या स्क्रिप्टेड है क्या स्क्रिप्टेड नहीं है। और वीडियो छोड़, मैं टैग पढ़ के बता दूंगा कि वीडियो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, और तेरी तो शक्ल देख के लोगों को समझ जाना चाहिए कि तू जिंदगी में कुछ रियल काम नहीं कर सकता, स्क्रिप्टेड ही कर सकता है। लेकिन उस दिन अलग ही हवा में था लोंडा, क्योंकि जब एकदम से फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बरसते हैं ना तो भाई सच में समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो हम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। यूट्यूबर्स टिकटॉक में हमारे साथ भी हुआ था और तेरे साथ भी उस दिन सेम था, तुझे नहीं पता था इस चीज के कॉन्सिक्वेंस कितने खराब हो सकते हैं। हेलो, हाँ यूट्यूब जी, क्या फेसे सिटिंग चैलेंज डिलीट हो गया? अरे नहीं भाई, वीडियो डिलीट होने का गम नहीं है, अबे पिछली वीडियो में वाओ के साथ स्पॉन्सरशिप थी, वो डिलीट होने का गम है भाई। एक ही तो हमारे इतने बढ़िया ऑनेस्ट प्यारे पार्टनर हैं वाओ वाले, उन्हीं की वीडियो के साथ ये दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए इस वीडियो में भी गर्मियां भी तो आ रही हैं और एसी से पहले होगी फुल सनबाजी और टैनिंग बाजी, और ऐसे में तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करती है वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन जो आती है SPF 55 में और SPF 35 में। ये आपको एक्सट्रीम हाई कवरेज प्रोवाइड करता है बाहर के सन एक्सपोजर से। मैं फिलहाल ये SPF 55 यूज कर रहा हूं जो मुझे ज्यादा देर तक के लिए प्रोटेक्शन देगी, और ये दूसरे वाली SPF 35 आप तब यूज कर सकते हो जब आप घर में हो या कम धूप में हो, या आपकी स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है बिना व्हाइट कास्ट छोड़े, और ये आपकी स्किन के ऊपर ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है और आपको यूवी रेडिएशन से होने वाली एजिंग साइन के साथ साथ ड्राइनेस से भी आता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी एंड कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए एंड ई जो नेचुरली सनब्लॉकर का काम करती है, और वैसे भी हर कोई जानता है कि वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं और इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल लाइक सिलिकॉन मिनरल ऑयल वगैरह नहीं होते। और अगर आप लोग भी buywow.in से जाके परचेज कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड लक्ष्य यूज करके 30% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। इस सब में अगर सबसे ज्यादा गलती किसी की है ना, वो है हमारे देश के जो सो कॉल्ड मीम पेजेस बने हुए ना, ये मीम के नाम पे जो व्हाट्सएप जोक्स डालते हैं, और इनको मीम से ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज और क्रिकेट न्यूज डालने में दिलचस्पी होती है। वैसे भी पांचवी फेल डिप्रेस्ड लोंडे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, या तो वो अपने से छोटे मीमर का ओरिजिनल कंटेंट कॉपी करके डाल देगा या फिर कोई भी बिना फैक्ट चेक करे कुछ भी भांग भोसड़ा अपने पेज पे पोस्ट कर देगा। यहाँ पे भी वही हुआ, ऊपर से उससे AMV वाले से डर गए, स्ट्राइक के डर से कहीं स्ट्राइक ना मार दे, उसकी दो दो तीन तीन वीडियो और डाल दी विद क्रेडिट, और उस एक्ट्रेस पे इतनी हेट डलवा दी ये सारे छोटी ईगो वाले लोंडे मेकअप आर्टिस्ट के बड़ा उस लोंडे पे जाके निकाल लें। फाइनली वो लड़की भी अब कैमरा पे आई। जो मोलेस्टेशन का तुमने बताया है वो बेसिकली स्क्रिप्टेड है और
वो क्या नाम है यूट्यूबर का, चलो स्क्रिप्टेड वीडियो बनी। उस टाइम पे एक्ट्रेस भी अग्री कर रही थी, लड़की अग्री कर रही थी, इसने पैसों के लिए बिना पैसों के लिए दोस्ती यारी में वो वीडियो बनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो फाइनली उस वीडियो पे इतना आउटरेज हो गया, लोगों को वो रियल लगी और उस लड़की पे रियल हेट जा रही है, लोग उस पे फेक रेप के फेक मोलेस्टेशन के केसेस की भड़ास निकाल लें और तुझे दूसरे क्रिएटर आके बोल रहे हैं कि भाई तू बोल दे कि वो वीडियो फेक है, वो तूने चल अवेयरनेस के लिए स्क्रिप्टेड बना दी थी, लेकिन तब भी तू अपनी उस वाहियात सी वीडियो को डिफेंड कर रहा है रियल बोल के, और उसकी वजह से अपने साथ काम की हुई लड़की पे ही तू हेट डलवा रहा है। और इतना ही नहीं, अब इसका धागा खुली है, लोगों को पता चल गया वो वीडियो स्क्रिप्टेड ही थी, उसके बावजूद भी ये अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बल्कि स्टोरीज में बोल रहा है अरे वो तो ऐसे ही वाहियात सी एक्ट्रेस है, वो तो पैसों के लिए किसी भी वीडियो में काम कर लेती है अनाप शनाप में। भाई चूतिया वूतिया है क्या, ऊपर खाली है पूरा। उस लड़की की वजह से तेरी वो वीडियो इतनी वायरल हुई और उसके रिजल्ट में जब उस लड़की को लोग हैरेस कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो तू बोल रहा है कि वो तो लड़की ऐसे ही 2 रुपए की एक्ट्रेस है, सड़क चलती एक्ट्रेस है। अब कितना क्लाउड चेज करेगा चूतिए, लंड कॉन्टेंट है तेरा, क्या लग रहा है 2 दिन के 12 घंटे की तुझे फेम मिल गई, तुझे क्या लग रहा है बस तेरा यूट्यूब पे राज हो जाएगा और तू बस तेरे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, पर कुछ नहीं होगा। चूतिया वीडियोस हैं तेरी, बोलने में तू वो गोलमाल के लक्ष्मण को फेल कर देगा, 1-5 मिनट की वीडियो में तुझे 34 तो जमकट लग रहे हैं, ये 1.5 दिन में 10-50 हजार सब्सक्राइबर्स के आगे पागल ना बने इनके चक्कर में, और तुझे क्या सारे लोग अपने जैसे ही बैल बुद्धि लग रहे। जब तेरी 5 सेकंड की क्लिप देख के हम बता सके कि तेरी पूरी वीडियो स्क्रिप्टेड है, तो क्या तेरी ये जो नॉनसेंस स्टूपिड सी तू इंस्टा स्टोरी डाल रहा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसने उस लड़की की ये IGTV वीडियो आने के बाद एक वीडियो बनाई, पर कहते हैं ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, वो जो रोड रेज वीडियो थी ना वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। Yes. इस वीडियो में भी कूल बनना है भाई को, और चलो वो भी ठीक है, पर पहले अच्छे से खा लिया उसके बाद हक दिया। बट लक्ष्य चौधरी और बहुत सारे पेजेस यूथ अगेंस्ट रेप और बहुत सारे पेजेस ने बोला कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, इस वीडियो को फैलाओ मत, ये वीडियो ऐसी है, ये व्यूज पेड एक्ट्रेस एंड सो एंड सो है। बहुत सारे क्रिएटर्स पेज में डाला कि नहीं स्क्रिप्टेड है, फेक है फेक है। मुझे तो सच बोलूं 1% का नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं, आदमी अगर ऊपर जा रहा है तो लोग उसका पास्ट निकालते हैं, उसकी बुराइयां निकालते हैं। चुप चूतिया, कहाँ ऊपर जा रहा है, इतने ऊपर चला गया कि लाइक डिसलाइक रेशियो और कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा तुझे। और ये वीडियो सेल्फ रियलाइजेशन कम सेल्फ डिफेंस ज्यादा लग रही है, हाउ आई बिकेम मीम सेंसेशन ओवरनाइट। ये शेड्स लगा के कौन अपनी गलती मानता है भाई, लेकिन जब देहात से हाई स्कूल करके यूट्यूब पे आ जाओगे तो बस इसके जैसी हरकतें करोगे फिर। हैव सम गट्स, बी अ मैन, जो गलती की है वो खुले में एक्सेप्ट कर, बोल कि मैं चूतिया हूँ, मैं चूतिया वीडियोस बनाता हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, मैं लड़कियों को फेमस होने के लिए क्लिक बेट करने के लिए यूज करता हूँ, उस लड़की ने मुझे रियलिटी में कोई भी मोलेस्टेशन की धमकी नहीं दी थी और मेरे क्लाउड चेजिंग की वजह से पिछले 2 दिन उस लड़की को जितना कुछ भी सहना पड़ा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, और वीडियो का टाइटल हाउ आई बिकेम मीम सेंसेशन ओवरनाइट हटा के ना सॉरी द वीडियो वॉज स्क्रिप्टेड ये लिख, साथ में डंडा लगा के लिख मैं दल्ला हूँ। खैर इसके जैसे क्लाउड चेजर को जितना बोलना था मैंने बोल दिया, इनका तो कोई दीन ईमान होता नहीं है, लेकिन तुम लोग भाई किसी अलग इंसान की अलग सिचुएशन की हेट किसी इनोसेंट पे तो मत निकाला करो, बिना फैक्ट चेक करे कुछ भी शेयर मत किया करो। आज मैं 100वीं बार अपनी वीडियो में वो बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है बाहर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता, और तुम्हें पता है भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, हमने ऐसे लड़के देखे हैं जो ग्रुप में लड़कियों का घर से निकलना तक भारी कर देते हैं, हमने ऐसी लड़कियां भी देखी है जो खुद गलत काम करती है और उसके बाद अपने लड़की होने का फायदा उठाती, लेकिन तुम हर किसी इंसान को सेम स्केल से नहीं नाप सकते, हर एक इंसान अलग है, हर किसी की फितरत अलग है, तुम नहीं हर किसी को एक ही स्केल पर रख के जज कर सकते और ना ही तुम एक सिचुएशन में हुई चीजों को दूसरी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते, हर चीज अलग है भाई एक दूसरे से। पहले तुमने उस मेकअप आर्टिस्ट का साथ दिया बिना मतलब, उसके बाद उस आदमी की नौकरी चली गई, उसकी हालत देख के तुम खुद को रिग्रेट कर रहे हो कि भाई हमने वो वीडियो क्यों शेयर की, क्यों हमने उसका साथ दिया, उसके बाद इस बेवकूफ की वीडियो देख के लड़की के ऊपर इतना हेट चला दिया उसके बारे में बिना पता होते भी, पता नहीं उसके माँ बाप के बारे में उसके बारे में लोगों ने कितना कुछ बोल दिया, अब तुम उसको रिग्रेट करोगे। पहले वो मेकअप आर्टिस्ट फॉलोवर्स लूट गई, उसके बाद ये वाहियात सी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने वाला फॉलोवर्स लूट गया, तो चूतिया कौन, किसके इमोशंस का फायदा उठाया गया है।